भूतिया हॉस्पिटल। बहुत समय पहले किसी शहर में एक हॉस्पिटल हुआ करता था। असल में ये एक भूतिया हॉस्पिटल था, जहाँ के डॉक्टर और नर्सें सभी भूत थे। वो हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट का इलाज करने के बहाने उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाते और फिर उन्हें मारकर उनका दिल खा जाते। आपने इन्हें हॉस्पिटल लाकर बहुत अच्छा किया। अब आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब इनका अच्छे से इलाज करेंगे। ये कहकर वार्ड बॉय जख्मी आदमी को स्ट्रेचर पर अंदर ले गया। लेकिन कुछ समय बाद वार्ड बॉय वापस आया और बोला, माफ करना, जिस आदमी को आप लाए थे वो नहीं बच सका। लेकिन उसको तो बस पैर पर चोट आई थी। पैर पर चोट लगने से कैसे कोई मर सकता है? पता नहीं, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। वार्ड बॉय की बात सुनकर वो दोनों आदमी वहां से चले गए और वार्ड बॉय अंदर ऑपरेशन थिएटर में आ गया। डॉक्टर साहब, मैंने उन आदमियों को भेज दिया है, अब हम आराम से इस आदमी को खा सकते हैं। बस ऐसे ही लोग हमारे पास इलाज के लिए आते रहे और हम उनका दिल खाकर रोज पार्टी करते रहे। बहुत महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मोहित नाम का आदमी अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल आया। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी के सीने में दर्द हो रहा है, आप जल्दी से इनका इलाज कर दीजिए। लगता है इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? लेकिन इनके सीने में तो मामूली सा दर्द है। सीने का कोई भी दर्द मामूली नहीं होता। आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं अभी इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाकर इनका इलाज करता हूँ। वार्ड बॉय और डॉक्टर मोहित के पिताजी को ऑपरेशन थिएटर ले गए। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर और वार्ड बॉय मोहित के पास आए और बोले, माफ कीजिएगा, हम आपके पिताजी को नहीं बचा सके। क्या? लेकिन उन्हें तो मामूली सा दर्द था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सीने का कोई भी दर्द मामूली नहीं होता। मोहित अपने पिताजी की लाश लेकर घर लौट आया, लेकिन उसे डॉक्टर की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। दाल में जरूर कुछ काला है, मेरे पिताजी ऐसे नहीं मर सकते। मैं इस रहस्य का पता लगाकर ही रहूंगा। ये सोचकर वो अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचा और चुपके से ऑपरेशन थिएटर में छुप गया। अब देखता हूँ ये डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर, नर्सेस और वार्ड बॉय एक पेशेंट के साथ ऑपरेशन थिएटर में आए। चलो इसका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर के ऐसा कहते ही सभी अपने भूतिया रूप में आ गए। ये देखकर मोहित डर से कांपने लगा। ये सब तो भूत है। चलो जल्दी से इसका दिल निकालते हैं। मजा आ गया। मुझे इंसानों का दिल बहुत स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा हमें भी खिलाइए डॉक्टर साहब। लो तुम भी खाओ और तुम भी लो। भूतों को इंसानी दिल खाते देख मोहित को उल्टी आ गई और भूतों ने उसे देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ गलती से आ गया, मुझे जाने दो। ठीक है, चले जाओ, बस अपना दिल हमें दे जाओ। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं एक दिल के बदले कल तुम्हें दो दिल ला कर दूंगा। क्या, दो दिल? हाँ, मैं कल दो इंसानों को तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। एक के बदले दो, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुम कल नहीं आए तो। नहीं नहीं, मैं कल जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर मोहित अपनी जान बचाकर भूतिया हॉस्पिटल से निकल आया। आज तो बच गया, लेकिन कल इन भूतों के लिए मैं दो आदमी कहाँ से लाऊंगा? वो ये सोचता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसने सामने दीवार पर लिखा देखा, बंगाली तांत्रिक, किसी भी तरह के भूत प्रेत के इलाज के लिए संपर्क करें, एक बार इस तांत्रिक से मिलकर देखता हूँ। मोहित तांत्रिक के पास गया और उसने तांत्रिक को सारी बात बताई। चिंता मत कर बेटा,
तेरी चिंता आज से मेरी हुई। अब देख मैं उन भूतों का क्या करता हूँ। अगले दिन मोहित भूतिया हॉस्पिटल पहुँचा। तुमने तो कहा था तुम दो इंसान लेकर आओगे, बताओ कहाँ है दो इंसान? जल्दी बताओ, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। जल्दी बताओ, भूख लगी है। दो इंसान नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ताकतवर तांत्रिक लाया हूँ। तो तुम हो वो चारों भूत? तांत्रिक, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। चीटिंग तो तुम लोगों के साथ करते हो, इलाज का बहाना बनाकर उनका दिल खाते हो। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। तभी तांत्रिक ने एक बहुत ताकतवर मंत्र पढ़ा। अंत्र मंत्र तंत्र, चारों भूत बोतल में बंद। तांत्रिक के ऐसा कहते ही चारों भूत तांत्रिक की बोतल में आ गए। इस तरह एक तांत्रिक की मदद से मोहित ने अपने पिताजी की मौत का बदला लिया और उन चारों भूतों को पकड़ाकर भूतिया हॉस्पिटल को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया।